दोस्तों ये वीडियो बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, तो आप ऐसा ग्रेप करने का बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। वीडियो देख के पूरा मजा लीजिए। तो दोस्तों 2000 के सारे पटाखों का टेस्टिंग का वीडियो आ गया है। मैंने आपको इसका टेस्ट भी दिखा था। अगर आपने इस पटाखों का टेस्ट नहीं देखा उसमें मैंने आपको सारे पटाखों का रेट बताया, नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, जाके जरूर देखें वो टेस्ट वाला वीडियो, तभी ये इस टेस्टिंग वाला वीडियो आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से कौन कौन से पटाखे हैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद सारे पटाखों का हम टेस्टिंग भी तो करना है। तो फिर पहले हमारे पास इस प्रकार का स्टैंडर्ड का अनार आ जाता है, जो है ये इस प्रकार का, एक बार लगने के बाद इसको चार बार घूमता है, जलाएंगे इसको रात में अंधेरे होने के बाद। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ समोसा बम, बास्केट बम मिल जाता है, कुछ इस प्रकार के पटाखे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वजन में, ये भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर मिल जाता है थ्री साउंड रॉकेट, थ्री साउंड है, ये भी बहुत बढ़िया होते हैं, इसको भी जलाएंगे। उसके बाद हमारे पास बड़े वाले तोता बम है, बहुत बड़े हैं, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसको भी जलाएंगे, देखेंगे इसका आवाज़ कैसा निकलता है। उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर के छोटा भी बम मिल जाते हैं, ब्लू कलर है, कलर काफ़ी बढ़िया है इसलिए इसको भी जलाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बिजली बम आ जाते हैं कुछ छोटे वाले, इसको जलाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैरट बम आ जाते हैं, इतना छोटा है, वो भी काफ़ी बढ़िया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं ग्रीन क्रैकरिंग ग्रीन आता है, ये क्रैकरिंग ग्रीन आपको खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा कुछ इस प्रकार का होता है, इसको भी जलाएंगे, देखेंगे कैसे ग्रीन कलर में निकलता है। नहीं, ये हमारे पास आ जाते हैं मिर्ची बम, ये भी काफ़ी बढ़िया होता है, इसका भी काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद हमारे पास डायनासोर के सुतली बम आ जाते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं बुलेट्स बम, कुछ इस प्रकार के बुलेट्स बम, इसको जलाएंगे, ये भी काफ़ी बढ़िया होता है, इसका आवाज़ भी काफ़ी तेज़ होता है, जलाएंगे इसको भी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अजंता की चक्रिया आ जाती है, तो थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की एक चक्री होती है, जलाएंगे इसको, देखेंगे किस प्रकार की घूमती है ये। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक्समस, ये एक्समस है, ये भी काफ़ी बढ़िया ऊपर वाली आइटम है, ये इसको भी जलाएंगे। हमारे पास और एक आइटम रहती है फोनेक्स, फ्लाइंग फोनेक्स है, ये भी ऊपर वाली आइटम है, इसको भी जलाएंगे, देखेंगे किस प्रकार का पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वापस से ऊपर वाली आइटम है, यानी कि अब दिखने वाली सारी की सारी ऊपर वाली ही आइटम बची है। तो यहाँ पर फोकस लाइट है, ये भी ऊपर वाली आइटम है, प्राइस मैंने सबका बताया, जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एंड स्क्रीन तक कभी वेट करना, एंड स्क्रीन में भी आ ही जाएगा, अंत तक वीडियो देखना, मज़ा आएगा आपको। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सेवन शॉट्स, आप देख सकते हैं सेवन शॉट्स, ये भी काफ़ी बढ़िया, इसको भी जलाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक नई आइटम है, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, स्टैश देखना आपको, मैंने उसको अंदर सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, प्राइस के साथ और कैसा फटता है वो भी, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको कैसा फटता है वो देखने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, और उससे पहले जानना है तो स्टैश भी देख लो, प्राइस भी पता चल जाएगी। ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसमें थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, जाके देखिए स्टैश, मज़ा आएगा। तो फिर चलिए इन सारे पटाखों का टेस्टिंग करते हैं रात में अंधेरे होने के बाद। अंधेरा हो चुका है काफ़ी सारा, तो जलिए जलाते हैं एक एक कर से सारे पटाखों को। सबसे पहले इस छोटे वाले बिजली बम से स्टार्ट करते जलाना। इस समोसा बम को जलाते हैं, कर दे, इस छोटे वाले पैरट बम को जलाते हैं। इस मीडियम साइज के बुलेट बम को जलाते हैं। मिर्ची बम को जलाते हैं। तो इस ब्लू बम को जलाते हैं, छोटा भीम वाला है ये, चलिए इसको जला के देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है। तो दोस्तों ये तो अनार हो गया। तो
इस पैरट बम को जलाते हैं। थ्री साउंड को जलाते हैं। सेवन शॉट को जलाते हैं। इस एक्समस को जलाते हैं, देखते हैं ये कैसा जलता है। फोकस लाइट को जलाते हैं। अब इस फोनिक्स फ्लाइंग फोनिक्स को जलाते हैं, देखना है कि इसके और इसके अंदर का डिफरेंस क्या है। चले देखते हैं उसके बाद कि कैसा है ये। तो ये वाला भी काफ़ी बढ़िया था। अब हमारे पास जो आता है वो आइटम है ग्रीन क्रैकलिंग शॉट, ग्रीन कलर में है, देखते हैं जलाने के बाद। तो अब हमारे पास ये है डायनासोर वाला सुतली बम, तो इसको जलाते। इसका आवाज़ ऐसा बोला था शॉप वाले ने, नाजी बम से भी अच्छा है, जलाने के बाद पता चलेगा। तो फिर चलिए जलाते हैं इसको, देखते हैं। तो अब इस स्टैंडर्ड वाली चक्री को जलाते हैं, जो एक बार आग लगाने के बाद चार बार घूमती है, देखते हैं जलाने के बाद। तो अब इस चक्री को जलाते हैं। तो दोस्तों चक्री बहुत ही बढ़िया घूम रही है और बहुत ही तेज भी। तो इस अजंता वाली चक्री को जलाते, देखते हैं कैसे जलती है। लगाते हैं चक्री में आग। बहुत ही बढ़िया सिल्वर कलर में जल रही है यह चक्री और काफ़ी टाइम तक भी जली, और एक बार जलेगी। बहुत ही बढ़िया। तो अब इस वंडर ट्री को जलाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको जलाते हैं, स्टैंड के सहारे जलाएंगे इसको, ऊपर जाकर स्काई शॉट फटेगा नार के बाद। चलिए जलाते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।